Hey guys, welcome back to my another video. This is Manjit and you're watching on your YouTube channel, My Smart World. फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि ये जो वीडियो है मैं दोबारा अपलोड कर रहा हूँ और इसका रीज़न ये है कि जब मैंने कल ये वीडियो अपलोड की थी तो इस वीडियो में मैंने बाय मिस्टेक ओनर की जगह किसी और का नंबर डाल दिया था, तो जो कॉल्स ओनर के पास जानी चाहिए थी वो किसी और के पास जा रही थी, तो जिस वजह से ये डॉग सेल नहीं हो पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, पॉपुलर डॉग ब्रीड की सीरीज में आज जो ब्रीड मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो काफ़ी पॉपुलर ब्रीड है और साथ में काफ़ी अच्छे फैमिली डॉग्स भी होते हैं। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ लैब्राडोर के बारे में। तो फ्रेंड्स, मीडियम डॉग कैटेगरी में अगर हम फैमिली डॉग की बात करते हैं तो लैब्राडोर का नाम सबसे ऊपर आता है और ये बहुत ही इंटेलिजेंट डॉग होते हैं। अगर आप लोग इन्हें कुछ भी सिखाना चाहते हैं तो इजीली इन्हें ट्रेन कर पाओगे। इन्हें ट्रेन करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और आप लोग इन्हें बहुत सारी चीज़ों के लिए ट्रेन कर सकते हैं क्योंकि ये बाकी डॉगों से थोड़े ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बट ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इन्हें कैसे ट्रेन करते हैं। सो फ्रेंड्स, इनकी बाकी की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहना। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है और अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी दबा लें जिससे आप लोगों को मेरी फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सो फ्रेंड्स, ये वो पपीज हैं और क्वालिटी आप लोग इनकी देख सकते हैं। अगर आप लोगों के मन में कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट है तो आप लोग डायरेक्ट ओनर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओनर का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप लोग डायरेक्ट वहां जाकर ओनर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने सारे डाउट्स क्लियर करके उसके बाद ही आप लोग इन्हें परचेज करें। यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों ही अवेलेबल हैं, तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सा चूज करोगे। फ्रेंड्स, लैब्राडोर जो होते हैं ये काफ़ी अच्छी फैमिली ब्रीड होती है, तो अगर आप लोग इन्हें एज ए गार्ड डॉग लेने की सोच रहे हैं तो आप लोगों को बता दूं कि ये बिल्कुल भी अच्छे गार्ड डॉग नहीं होते। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग कोई भी पपी परचेज करते हैं तो उनकी टाइम से वैक्सीनेशन कराएं और साथ में टाइम टू टाइम उन्हें डिवॉर्मिंग भी कराते रहें क्योंकि डिवॉर्मिंग एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके पपीज़ को ना तो ज़्यादा हेल्दी होने देंगे और ना ज़्यादा एक्टिव होने देंगे, तो इसकी वजह से आप लोगों के पपी की जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी कम रह जाएगी। और बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि हम अपने डॉग को दूध देंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कम से कम 5-6 महीने तक तो डॉग्स को दूध बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए और आप लोगों को छोटे पपीज़ को दिन में कम से कम 4 बार खाना देना चाहिए और वो भी कोई अच्छी फीड हो, जैसे कि पपीज़ के होते हैं स्टार्टर के, आप रॉयल कैनिन या पेडिग्री वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम ओनर हैं और आप लोगों को इनकी फीड का पता नहीं है तो आप लोग किसी नॉलेजेबल इंसान से इनकी फीड के बारे में बात करें और उसके बाद ही आप लोग इन्हें दें। ऐसे ही अपनी साइड से इनको कुछ भी मत दें, इसकी वजह से आप लोगों के डॉग का डाइजेशन सिस्टम खराब हो सकता है। सो फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं इनकी बाकी की इन्फॉर्मेशन के बारे में, इनकी एज, इनकी लोकेशन और इनके प्राइस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी एज के बारे में। फ्रेंड्स, इनकी जो एज है वो 43 डेज ओल्ड है और इनकी जो लोकेशन है वो है दिल्ली नजफगढ़ से। अगर आप लोग नजफगढ़ से या नजफगढ़ के आसपास से कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो आप लोग डायरेक्ट जाकर इन्हें परचेज कर सकते हैं और डिलीवरी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो अगर आप लोग इन्हें परचेज करना चाहते हैं तो आप लोगों को डायरेक्ट ही जाना पड़ेगा। तो चलिए फाइनली बात करते हैं इनके प्राइस के बारे में। गाइस, ओनर जो इनके प्राइस की डिमांड की है, मेल की है 9,000 रुपये और जो फीमेल है उसकी की है 5,500 रुपये। तो क्वालिटी के हिसाब से आप लोगों को इनका प्राइस कैसा लगा मुझे एक बार नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना। और आप लोगों को मैं एक बात और बता दूं, इनकी मदर और इनके फादर की पिक जो है वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो आप लोग ओनर को कॉल कर सकते हैं, वो आप लोगों को व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा देगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के पास भी कोई डॉग है या कोई और एनिमल है, आप लोग उसे सेल या फ्री में अडॉप्ट कराना चाहते हैं तो एक बार मुझसे जरूर कॉन्टैक्ट करें, मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करूंगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। आज की वीडियो यहीं तक, जल्दी ही मिलते हैं हमारी एक और न्यू वीडियो में एक और न्यू डॉग के साथ। सो तब तक कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड बाय।